हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरु जी। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, दोस्तों आज 71 क्वेश्चन पर हम लोग जीके के 71 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो एमपी कांस्टेबल हो, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, या यूपी एसआई हो दोस्तों, चाहे झारखंड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हो दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों हर कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। 71 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के सामने आज। जीके के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों हैं ये, तो आप लोग ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिए दोस्तों। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देरी टाइम गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है दोस्तों, बास्को डिगामा भारत कब आया? तो दोस्तों बास्को डिगामा जो है वो 1498 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन कि बास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों बास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों हवा महल स्थित है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? दोस्तों गुरु नानक को। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन ये है कि सिक्कों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों सिक्कों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों लौह पुरुष के नाम से जिस महापुरुष को कहा जाता है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों नेताजी को सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनको कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी के नाम से लिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। काफी इजी क्वेश्चन है विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों महाभारत के रचयिता जो थे वो थे महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी चाणक्य ने, जिनका नाम कौटिल्य था। कौटिल्य के नाम से ही जाने जाते थे, जो चाणक्य चाणक्य थे दोस्तों, इनका नाम कौटिल्य था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था जो सॉरी संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दोस्तों। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस दोस्तों। काफी कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है कि हाल ही में दोस्तों एमपी कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, ये भी दोस्तों एमपी कांस्टेबल में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों ओणम जो है वो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। ओणम काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी सन 1911 में दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों आज। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों है वो शुक्र है दोस्तों। शुक्र भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों बाघ। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय सॉरी भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है दोस्तों गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल है आम। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो
दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया से। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। दोस्तों जो आंवले में विटामिन जो होता है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है, बहुत होता है दोस्तों होता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। तो दोस्तों बिहू है वो आसाम का प्रसिद्ध लोक त्योहार है दोस्तों। बीयू जो है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे तैयार के लिए, मोस्ट आईएमपी है बीयू है जो आसाम का काफी प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों विलियम बैंटिंग था, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी, इसको भी आप याद कर लीजिए। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन दोस्तों एमपी कांस्टेबल में हाल ही में रिपीट हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग है जो मधुमेह के उपचार में प्रयोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों रतौंधी है जो विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो दोस्तों पोंगल है वो तमिलनाडु का त्यौहार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो दोस्तों गिद्दा और भांगड़ा है वो पंजाब के लोक नृत्य हैं दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, ये भी है, आप लोग ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि पूछे जा सकते हैं आने वाले कंपिटिशन एग्जामों में आपके लिए। जो आप लोग जो भी फॉर्म डालेंगे, जिसमें भी डालेंगे फॉर्म, ये दोनों क्वेश्चन काफी मोस्ट आईएमपी हैं, आप लोग इनको याद कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेर्ड ने दोस्तों। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो दोस्तों मछली है जो गलफड़े के द्वारा सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह जी ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सन 1919 ईस्वी में अमृतसर में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो दोस्तों 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी को। दोस्तों इनकी मृत्यु है जो अंग्रेजों ने लाठीचार्ज की थी उसी में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी। तो दोस्तों सॉन्डर्स की हत्या की थी भगत सिंह जी ने दोस्तों, भगत सिंह। तो दोस्तों सॉन्डर्स की हत्या और असेंबली में बम फेंकने चक्कर में भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को फांसी दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। तो दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान देने वाले जो थे वो थे मंगल पांडे। काफी खूंखार क्रांतिकारी थे दोस्तों मंगल पांडे, जो 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 थे काफी अच्छे क्रांतिकारी थे। इनको दोस्तों 1857 विद्रोह में इन्होंने अपना अपना जो था उन्होंने बलिदान दिया था दोस्तों, मंगल पांडे ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला थी संतोष यादव दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन की वेदों और प्लेटों का नारा किसने दिया। दोस्तों वेदों और लोटों का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों, वेदों और लोटों का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपके सामने जीके के क्वेश्चन पे डिस्कस आज किए, काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जितने भी मैंने आपके सामने क्वेश्चन पे जितने क्वेश्चन पे डिस्कस किए, जीके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर दिया आपके सामने।
आप लोग जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इन सबको आप याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।